वेलकम टू तिवारी क्लास। तो चलिए बच्चों, मेरे जितने भी छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं वो अपना जल्दी से जल्दी अपना आंसर सोल्यूशन मिला लेंगे ताकि उनको पता चल जाए कि आपने कितना सही किया और आपने कितना गलत किया। तो चलिए बच्चों, आपको बता दें कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं, जो आपके आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछी हुई थी नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो नर्सिंग अभिक्षमता बोला जाता है। देखिए, पहले क्वेश्चन पूछी हुई थी कि बीएससी नर्सिंग का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ द बीएससी नर्सिंग। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए थे, साइंस इन नर्सिंग, नर्सिंग इन साइंस, नर्स साइंस इन बैचलर, बैचलर इन साइंस इन नर्सिंग। ठीक है ना, साइंस इन नर्सिंग। तो आपको पता है बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे सर बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की आपकी फुल फॉर्म, आपकी करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आपको आगे की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी हुई थी, यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश करोगे कि हाउ शुड यू ओपन टू द एयर वे एन अनकॉन्शियस पेशेंट, आई मीन अचेत मरीज के वायु मार्ग आप कैसे खोलोगे, कैसे खोलोगे बताइए। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हो या हिंदी वाले यहाँ पे देख ले, सिर पीछे झुकाना और ठुड्डी उठाना, जबड़े से जोड़, सिर झुकाना और ठुड्डी उठाना। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर आपको पढ़ने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आपका हेड बैक एंड, आपका ए जॉ थ्रस्ट, आपका ए और फिर आपका लिफ्ट। तो इसकी करेक्ट आंसर अगर आप लोगों ने आपको ऑप्शन ए लगाया होगा तो आपकी करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, आगे क्वेश्चन पूछी हुई थी कि नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए थे, जुलाई 7, अगस्त 2008, सितंबर 2009 और सितंबर 2010। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, आप लोग बोलोगे ओके बाबू, इसकी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, सितंबर 2009 में इसकी जो आपकी क्या हुई थी, आपकी यहाँ पे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सितंबर 2009, आई मीन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी हुई थी यहाँ पे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल है, तो क्या शामिल है, पब्लिक हेल्थ सर्विस में इंक्लूड में क्या क्या शामिल है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, हाइजीन, इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड कम्युनिकेबल डिजीज, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, इसकी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, आपको ऑल ऑफ दीज हो जाएगी। पब्लिक हेल्थ में सब शामिल है, क्या क्या शामिल है आप लोग बोलोगे, विद्यालय स्वास्थ्य सुरक्षा, विद्यालय आपका सार्वजनिक विद्यालय स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, संक्रमण रोगों के नियंत्रण, आई मीन उपयुक्त, सभी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। बच्चों आगे क्वेश्चन आपको दी हुई थी यहाँ पे कि हाउ मच टाइम ऑफ द रिकमेंडेड ऑफ द वॉश योर हैंड, आई मीन हाथ धोने के लिए कितनी आपकी समय दी जाती है, तो 10 सेकंड करेक्ट आंसर इसकी, कितने बच्चे 20 सेकंड, कितने बच्चों ने क्या क्या इसका आंसर आपको दिया हुआ था। तो इसकी करेक्ट आंसर अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, ओके बच्चों, तो इसकी करेक्ट आंसर अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, तो इसकी करेक्ट आंसर आपको 20 सेकंड हो जाएगी, 20 सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछी हुई थी यहाँ पे कि आपका ARSH किससे संबंधित है, ARSH किससे संबंधित है, किशोर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, शिशु देखभाल और इनमें से कोई नहीं, इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी बाबू, इसकी करेक्ट आंसर 6 की आपकी ए हो जाएगी। ठीक है ना, ए हो जाएगी, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आगे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आगे यहाँ पे अगर हम आपको पढ़ के बताने की कोशिश करें कि आपका डिफाइन सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता का परिभाषा बताइए। तो इसकी जो लिखा है कि अस्वास्थ्यकर आचरणों से स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, ठीक है, अनहाइजेनिक पार्टी, अस्वस्थ जिंदगी के लिए अस्वास्थ्यकर आचरण करना, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, स्वास्थ्यकर आचरण से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसकी करेक्ट आंसर कितना बच्चों ने आपको यहाँ पे आपको बी और ए और बी मारा है, लेकिन अगर इसकी करेक्ट आंसर अगर आपको बताने की कोशिश करें यहाँ पे, तो अस्वास्थ्यकर आचरण से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, अस्वास्थ्यकर आचरण से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्वास्थ्यकर का परिभाषा है इसकी, अगर आप लोग करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करें, स्वास्थ्यकर आचरण से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, वैसे इसकी करेक्ट आंसर आपको डी होगी, लेकिन एक बार आप लोग हमको कन्फर्म इसका आंसर बताएगा, लेकिन हमें लगता है डी होगी, कितना बच्चों और ए भी मारे होंगे, लेकिन इसके करेक्ट आंसर आपको डी होगी, लेकिन एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछी हुई थी कि आपका बंधकरण का स्थायी तरीका क्या है, विच ऑफ द परमानेंट स्टेलाइजेशन क्या होती है, डिम्ब वाहिनी, पुरुष नसबंदी, इतना और इतना, इसकी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी आपको हो जाएगी, इसकी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी आपको, ए और बी दोनों हो जाएगी, आई मीन फीमेल में आपको पता है ये होती है और मेल में आपका आपका भेस्टम ये होता है, आई मीन तो इसकी करेक्ट आंसर आपकी आपकी परमानेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी आपको, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सी हो जाएगी, ए और बी दोनों। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछी हुई थी यहाँ पे कि PMSSY का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें तो सब इधर ही लिख रहा है, लेकिन अब इधर देख लेते हैं किसकी क्या हो जाएगी। यहाँ पे जो क्या हो जाएगी, प्रधानमंत्री पीएम से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आई मीन यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आपका ऑप्शन आई मीन बी हो जाएगी, ठीक है ना, बी हो जाएगी, बी बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कि पानी में कठोरता किससे दूर की जा सकती है, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर किससे दूर की जा सकती है, लाइम के द्वारा, ठीक है, चूने के द्वारा। एक बार मिला लिया, जो बच्चे हमारे चूने ऑप्शन मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, लाइम हो जाएगी। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन पूछी हुई थी यहाँ पे कि आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं आता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, थ्रोम्बोसाइट। तो इसकी करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगी, आपको ऑप्शन डी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार बच्चे मिला ले, जो बच्चे हमारा ऑप्शन डी सिलेक्ट करे होंगे उनका बिल्कुल कथन सही है और उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन पूछी हुई थी यहाँ पे कि आपका प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है, विच ऑफ द कमी, माल न्यूट्रिशन। तो आपको ऑप्शन में दी हुई थी कंठदाह, गलगंड, सूखा रोग और क्षय रोग। तो मार्समस इसकी जो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आगे कि वयस्क मनुष्यों की हड्डियाँ होती है तो कितनी होती है, आपको ही पता है कितने बच्चे, 33, 206, 639, 507। इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी बाबू, 224 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। एक बार आप लोग मिला लीजिए, जो बच्चे का 206 आंसर सेलेक्ट कर रहे होंगे उनकी काफ़ी बिल्कुल आपको क्या है यहाँ पे आपके सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कह रहे हैं मिड डे मील कब बनाई गई थी, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी। तो मिड डे मील की जो शुरुआत की गई थी वो आपका कब की गई थी, 1995 में की गई थी। कब की गई थी बाबू, 1995 में। एक बार आप लोग मिला लीजिए, जिन बच्चों का ऑप्शन 195 आ रहा है उनका बिल्कुल कथन इनका क्या, आप लोग बोलोगे सर सही है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि जल प्रदूषण का सामान्य आपका सूचक क्या है, कॉमन इंडिकेटर ऑफ द वाटर। इसकी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी आपको, आपको ऑप्शन बी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगी। जो बच्चे हमारा ऑप्शन बी सिलेक्ट करें उनका बिल्कुल कथन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, आगे क्वेश्चन आपको दी हुई थी यहाँ पे कि आपका मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम प्रतिरक्षण, आपकी स्तनपान, स्त्री शिक्षा और पोषण पूरकता। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, इम्यूनाइजेशन। जो बच्चे हमारे इम्यूनाइजेशन सेलेक्ट करें उनका आपका बिल्कुल क्या आपका कथन सही है। ओके चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन आपको दी हुई थी यहाँ पे कि मानव अधिगम का उच्चतम चरण क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईएस्ट स्टेज ऑफ वुमेन लर्निंग क्या होती है, आपका इन्हें आपका इमेजिनिंग, थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो क्या हो जाएगी, वैसे इसकी इमेजिनिंग आपकी काल्पनिक सोच ही एक तरीके का होना चाहिए, लेकिन एक बार आप लोग अपना मिला लीजिएगा और आप लोग हमें बताइएगा इसके लोग आप लोगों का कमेंट में क्या ऑप्शन आ रहा है। चलिए कह रहा है कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाई, कालाजार किसके द्वारा होता है, एडीज, मच्छर, टेस्टी फ्लाई, सैंड फ्लाई और इतना। तो आपको पता है इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी बाबू, आप लोग बोलो सर सर सैंड फ्लाई हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि मानव स्वास्थ्य के देखभाल के अंतर्गत सिवाय कौन सा शामिल नहीं है, मतलब एक्सेप्ट पूछता है, मतलब इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो हेल्थ एजुकेशन बिल्कुल शामिल है, इंटर सोशल आपका ये भी शामिल है, लेकिन आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये शामिल नहीं है। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोग के लिए। आगे क्वेश्चन क्या करें, आगे कर यहाँ पे इनमें से कौन सा जन्म नियंत्रक डॉक्टर लिखित के पर्चे की आवश्यकता है। तो गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक पैच, इतना और इतना। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इसकी करेक्ट आंसर अगर आप लोग बताने की कोशिश करो तो इसकी करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहे कुछ कुछ नर्सिंग इंस्टीट्यूट के सवाल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग का बायो लेकर आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आपको कराने वाले हैं और इंग्लिश भी कराने वाले हैं। तब तक आप लोग सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, साथ ही साथ इनकी रिजल्ट कब तक आएगी और काउंसलिंग कैसे करें इस पर भी हम आपको आपको डिटेल्स में जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो सारे के सारे बच्चे एक बार जो हमारे चैनल है तिवारी क्लासेस उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, देख लिए आप लोग यहाँ पे जो आप लोग को तिवारी क्लासेस से चैनल मिल जाएगी। क्योंकि फिर जैसे ही अब इनकी नेक्स्ट जो आपको बायो का हम आपको वीडियो करा देंगे, फिर नर्सिंग इंस्टीट्यूट का तो करा ही दिए, फिर आपको और भी जितने में आपको सब्जेक्ट है आपको वो भी सब करा देंगे, फिर आगे आपको काउंसलिंग कैसे करानी है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो हम आपको हर साल आपको ईयर बाई ईयर हम आपको बताते जाते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का हमने 2021 में भी बताया था, हमने छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का हमने 2022 में भी बताया था। तो एक तरीका से कहीं ना कहीं आप लोग के लिए आपको प्रॉफिट एक तरीका का हमने देखिए आपको छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का जो बच्चे हमारे अगर यूट्यूब से ही सिर्फ केवल पढ़ लिए होंगे एक तरीका का यहाँ पे नर्सिंग इंस्टीट्यूट उनका ही आपका पूरा नर्सिंग इंस्टीट्यूट उनका सही हो गया होगा। हमने आपको नर्सिंग इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पे आपको कराया हुआ
हमने आपको 14 वीडियो भी डाल दी हुई थी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख ले, क्योंकि फिर जैसे ही इनकी काउंसलिंग होगी कैसे कैसे प्रिपरेशन में, मतलब आगे आपको यहाँ पे देख सकते हो आपके काउंसलिंग कैसे होगी, रिजल्ट कैसे कैसे आए कि हम आपको हर साल ईयर बाई ईयर बताते जाते हैं, तो इस बार भी आपको हम आपका सारा चीज़ बताते जाएंगे। बस आते आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफाई चल जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि फिर जैसे ही फिर आगे की क्लास डाल लें, आपका जो क्वेश्चन पूछी हुई थी या जो भी डालें, आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है और काउंसलिंग कैसे करें, तो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। ओके बाय बच्चों, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।